गैस, अपने सी प्लस प्लस के इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि टेम्पलेट फंक्शन को क्या ओवरलोड किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 68th वीडियो है ये, तो 68 के नाम से फाइल बना लूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्यूट 68.cpp और एक बॉयलर प्लेट कोड लगाऊंगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सैम्पल फंक्शन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है हैरी, और ये जो क्लास है इसके अंदर मैं एक पब्लिक डेटा मेंबर डाल देता हूँ, इन डेटा मान लो। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं एक कंस्ट्रक्टर डाल देता हूँ उसमें, इसी में एक कंस्ट्रक्टर डाल देता हूँ हैरी। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इंट ए ले लेगा। इनफैक्ट मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर टेम्पलेट लिखूँगा और उसके बाद मैं क्लास टी लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा हैरी क्लास है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं इसको बनाऊँगा टी ए। ठीक है, और मैं कहूँगा डेटा इज इक्वल टू, और इसको भी टी टी टाइप का बनाऊँगा। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू डेटा इज इक्वल टू ए। ठीक है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मैं कहूँगा हैरी का इंट टाइप का ऑब्जेक्ट बना दो एच, और यहाँ पर एच डॉट डेटा, या फिर एक काम करो डायरेक्टली इसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक करो H5, और यहाँ पर मैं सी आउट कर सकता हूँ एच डॉट डेटा। ठीक है, इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर 5 आ गया क्योंकि मैंने डेटा को 5 सेट कर दिया। अगर मैं इसको फ्लोट करता हूँ और इसको 5.7 करता हूँ तो 5.7 मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसी क्लास बना दी जो कि इस टेम्पलेट को फॉलो करेगी, यानी कि अगर मैं टी की जगह फ्लोट लिखूंगा तो यहाँ फ्लोट आ जाएगा, यहाँ फ्लोट आ जाएगा, और अगर इंट लिखूंगा तो इंट आ जाएगा, कैर लिखूंगा कैर आ जाएगा, एंड यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, मैं अब यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लिखना चाहते हो उसका एक डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है, मान लो इसका आप डिस्प्ले फंक्शन लिखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर एक डिस्प्ले फंक्शन लिख सकता हूँ। ठीक है, और डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, इसके डेटा को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो मैं अगर इसका क्लास के अंदर एक डिस्प्ले फंक्शन लिखूं तो मैं वैसे ही लिख सकता हूं जैसे कि मैं अपना नॉर्मल डिस्प्ले फंक्शन लिखता हूं। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, मैं कहूंगा सी आउट और मैं लिख दूंगा डेटा और सेमी कोलन। ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा और मैं एच डॉट डेटा ना लिख कर, ये सी आउट ना करके, या फिर इसको भी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एच डॉट डिस्प्ले को रन कर दूंगा। ठीक है, तो 5.7 जो है मेरा 2 बार आ जाएगा। मैं सी आउट के बाद एंडल भी लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि ये 5.75 है या फिर क्या है, तो मैंने यहाँ पर 5.7 देखा। अब अगर मान लो कि मैं चाहता हूँ ये जो डिस्प्ले फंक्शन है इसको मैं बाहर लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि इसको बाहर ज़रूर लिख सकता हूँ। और इसको बाहर लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, जिस तरह से मैं अपना स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाता हूँ, मैं बिल्कुल उसी तरह स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा कुछ इस तरह से मैं इसको लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कहूँगा कि देखो भाई ऐसा है कि ये जो फंक्शन मैं लिख रहा हूँ वो किसके लिए लिख रहा हूँ, वो हैरी क्लास के लिए लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा टी, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेम्पलेट क्लास, और यहाँ पर मैं टी लिख दूंगा, और यहाँ पर एच को कैपिटल बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वॉइड डिस्प्ले, और इसको मैं कॉपी करूंगा, उप्स मैंने क्या किया है, इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, मैं डालूंगा टेम्पलेट, और उसके बाद मैं डालूंगा कुछ इस तरह से क्लास, इसको मैं ऐसे डालूंगा क्लास टी, और टेम्पलेट क्लास टी डालने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाऊंगा, और मैं कहूंगा कि ये जो डिस्प्ले फंक्शन है वो मैं इसका लिख रहा हूँ क्लास टी का, और यहाँ पर मैं ऑब्वियसली कुछ इस तरह से लिख दूंगा वॉइड डिस्प्ले और सेमी कोलन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्कोप रिजोल्यूशन लगाकर इसको डिफाइन कर दिया। अभी मैं इसको रन करूँगा तो ये बिल्कुल वही बिहेवियर मुझे दिखाएगा जो कि पहले दिखा रहा था। अगर मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर डाल देता हूँ ऐसे, यानी कि मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, इसको सी कर देता हूँ और मैं कैर कर देता हूँ इसको, तो इसको रन करूँगा मैं तो ये देखो सी सी आ गया। ठीक है, उसी तरह अगर मैं इसको एक इंटीजर बना देता हूँ तो मैं इसको एक इंटीजर बना सकता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा मान लो 87, और मैं इसको इंट यहाँ पर लिख दूंगा। तो यहाँ पर जो बात मैंने बोली उसका मतलब सिर्फ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप फंक्शन को इनलाइन ही बनाएं, आप फंक्शन को यहाँ पर क्लास के बाहर भी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इस तरह से लगा कर लिख सकते हैं, और आपकी फंक्शन की जो ये फंक्शनैलिटी है वो एकदम सेम रहने वाली है। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी फंक्शंस को ओवरलोड करने की। तो ये क्लास और स्कोप रेजोल्यूशन मैंने लगा दिया, लेकिन यहाँ पर मैं एक फंक्शन टेबलेट बनाना चाहूँगा और उसको मैं फिर ओवरलोड करके आपको दिखाऊँगा। मान लो एक फंक्शन है मेरे पास void im, ठीक है, या फिर void func, और ये बहुत ही सीधा साधा फंक्शन है। ये सिर्फ ये लिखता है I am first func। अब first func क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं अभी और वर्जन्स बना रहा हूँ func के, आप देखते जाओ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फंक बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ int a और I am func, और उसके बाद यहाँ पर मैं a को भी प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। int a मैंने इसके अंदर डाल दिया, I am first func a मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मान लो मैं इसी फंक्शन को टेम्पलेटाइज भी कर देता हूँ, मैं इसको एक फंक्शन टेम्पलेट के तौर पर बना देता हूँ। अगर मैंने इसको एक फंक्शन टेम्पलेट के तौर पर बना दिया तब क्या होगा, तब मैंने फंक्शन को ओवरलोड कर दिया, यानी कि मैंने टेम्पलेट भी बना दी और ओवरलोड भी कर दिया। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा सिंटेक्स है यहाँ पर फंक्शन टेम्पलेट वाला, एग्जैक्टली वैसा ही मैं यहाँ पर इसको ले आऊँगा और कॉपी करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टी ए लिखूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर टी लिख रहा हूँ, यानी कि ये एक जेनेरिक टाइप है, कुछ भी हो सकता है, कैर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख दूँगा दिस इज टेम्पलेटाइज्ड फंक्शन, ठीक है। इनको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर सिर्फ इतना बताना चाहता था कि आप इस तरह से स्कोप रेजोल्यूशन लगाकर भी इसको बाहर लिख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फंक को कॉल करूँगा, और फंक को कॉल करूँगा किसके साथ, एक कैरेक्टर के साथ कॉल करूँगा या फिर एक इंट के साथ कॉल करूँगा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये कॉल होगा या ये कॉल होगा, तो आप सोच में पड़ जाओगे, आपको यार बात तो सही है, ये फंक्शन भी मौजूद है जो कि एक एग्जैक्ट मैच है, ये फंक्शन भी मौजूद है जो कि टेम्पलेट की सहायता से एक एग्जैक्ट मैच बनाया जा सकता है, ठीक है। एक टेम्पलेट की सहायता से एग्जैक्ट मैच बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फंक फोर लिखा, तो जो मेरा एग्जैक्ट मैच है, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर इसको लिख भी दूंगा कमेंट में, क्योंकि शायद आपको याद ना रहे, एग्जैक्ट मैच जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी लेता है। तो अभी मैं इसको रन करूँगा तो ये आई एम फर्स्ट फंक यहाँ पर, और ये जो ए की वैल्यू है वो दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एग्जैक्ट मैच टेक्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। एग्जैक्ट मैच जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी लेता है। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर मान लो, अगर ये इसका नाम फंक वन होता, या फिर मान लो ये फंक नहीं होता अगर, ठीक है, ये मौजूद नहीं होता, या मैं एक काम करता हूँ एक नई टेम्पलेट ही बना देता हूँ फंक वन नाम की, क्या जाता है, ठीक है। अब अगर मैं फंक वन को कॉल करूँ और फोर लिखूँ तो क्या होगा, आई एम टेम्पलेटाइज वाला कॉल होगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच तो है नहीं। इसको मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ, इसकी वजह से ये प्रिंट हो रहा है आई एम फर्स्ट फंक। तो यहाँ पर आप देखो आई एम टेम्पलेटाइज फंक फोर, ये वाला फंक्शन जो है मेरा टेम्पलेट की सहायता से, क्योंकि एक एग्जैक्ट मैच बन पा रहा है इसलिए ये इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये एम्बिग्यूटी रिजॉल्व होती है। एग्जैक्ट मैच अगर ऐसे ही मौजूद है तो वो रन होता है, उसके बाद अगर एग्जैक्ट मैच बनाया जा सकता है वो रन होता है, ठीक है। और आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मुझे पता है कि ये जो टॉपिक्स हैं कुछ पिछले दो तीन वीडियोस के थोड़े से बोरिंग आपको लग सकते हैं, लेकिन आपको बस इनमें से उतनी चीज़ें ग्रैस्प करनी है जो कि आप लोगों को सहायता होगी। हम मेनली अभी प्रिपेयर हो रहे हैं एसटीएल के लिए, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए, ये सब चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं। आप एक बार एसटीएल पर अच्छी पकड़ बना लेते हो तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपकी बहुत अच्छी हो जानी है, और हम जल्दी ही एसटीएल स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ। और अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको आप बुकमार्क कर लो अभी के अभी, क्योंकि एसटीएल बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और वीडियोज़ बनाऊँ और आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो काइंडली प्लीज़ प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, उससे काफ़ी मुझे हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will see you next time.